ताजा बर्फबारी से बंद पड़ी श्रीनगर लैस शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया, ताहम मुगल रोड हनूज बंद पड़ा हुआ है। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर सनमर्ग गुमरी शहरा पर बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है, ताहम तारीखी मुगल रोड बर्फ के बायस मुसलसल तीसरे रोज भी बंद पड़ी है। लद्दाख को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली श्रीनगर सनमर्ग गुमरी सड़क को जोजिला पास और दीगर मकाम पर ताजा बर्फबारी के बाद जुम्मा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। शिमला जिले बारामूला की खानपुर इलाके में हफ्ते की सपहर को नामालूम लड़की ने दरिया जहली में छलांग लगा दी, तहां वाका पेश आते ही अहकाम ने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाजह रहे कि बारामूला के ही सोपुर इलाके में कुछ दिन कबल एक लड़की ने दरिया जहली में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। अस्सलाम वालेकुम। अलतराक के अशमकाम इलाके में जहनी तौर पर मासूर शख्स के हमले में जख्मी हुआ एक और शहरी अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद चार तक पहुंच गई है। मालूम हुआ कि मोहम्मद सुल्तान साका वल्द मोहम्मद यूसुफ साकिन अशमकाम अनंतनाग श्रीनगर के अस्पताल में जेर इलाज था, जहां वो दौरान शब जिंदगी की जंग हार गया। कांग्रेस में दोबारा शमूलियत की खबरें बेबुनियाद, मेरे खामियों के हौसले पस्त करने की कोशिश, गुलाम नबी आजाद। सरकारी अराजी पर तैमीर का इल्जाम, पहलगाम में हिजब कमांडर के घर की दीवार मिसमार। साल 2022 में मंशा जी खिलाफ सख्त कार्रवाई के बीच मंशा स्मगलिंग के मामलात में 1560 अफराद गिरफ्तार। बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी के बेशर इलाकों में शबाना दर्जात में बेहतरी वाका हुई है, ताहम मैशूर सियाती मरकज पहलगाम और गुलमर्ग में -9 और -8 डिग्री के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इधर महकमे मौसमियात ने पहले 7 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए शबाना दर्जात में मजीद कमी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहलगाम और गुलमर्ग में रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई, जिस दौरान शबाना दर्जात बिला तरतीब -9.0 और -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा पर बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई, ताहम तारीखी मुगल रोड बर्फबारी के बायस मुसलसल तीसरे रोज भी बंद रही। लद्दाख को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर सोनमर्ग सड़क को जोलजला पास और दीगर मकाम पर ताजा बर्फबारी के बाद जुम्मा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था।